उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लोकसभा चुनाव में मतदान का ग्रामीणों ने बहिष्कार करने का ऐलान किया और कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस दौरान ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया और इतनी परेशान है, ये इसी गांव की समस्या नहीं, यहां से गुजरते हैं कम से कम 50-40 गाँव के, ये मेन रास्ता है जिसमें 1200-1300 मीटर की इतनी दुर्दशा है कि उसमें गन्ने की ट्राली यहीं से जाती है निकल के। अब उसकी पोजिशन ऐसी है कि खुद मेरी भी ट्राली एक बार पलट चुकी है, औरों की भी पलटती रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है। गांव के अंदर का विकास जो है वो मैं कर सकता हूँ लेकिन गांव के बाहर नहीं कर सकता, उसकी मेरी मजबूरी है। उसके बाहर का रास्ता या तो विधायक कर सकते हैं या एमपी साहब कर सकते हैं लेकिन उन्होंने आज तक पलट के देखा नहीं, चाहे वो सांसद बीजेपी के रहे हों, सपा के रहे हों या बसपा के रहे हों, किसी भी पार्टी का कोई भी रहा हो वादे कर जाते हैं लेकिन आज तक उस रोड की तरफ मुड़ के नहीं गए। अभी जो बहिष्कार कर रहे हैं ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है आपका, सिर्फ विकास का मुद्दा है? राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है, केवल यही मुद्दा है कि ये सड़क ये पड़ जाए तो अगर चुनाव से पहले पड़वा दे तो चुनाव में वोट डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गांव से आपके कितनी दूर पड़ता है? 6-7 किलोमीटर दूर। ये जो रास्ता है इस रास्ते के विषय में आप क्या कहेंगे? ये रास्ता बहुत खराब है, हम हर रोज जाते हैं, या तो पंचर हो जाता है या हवा निकल जाती है साइकिल। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत खराब है। यहाँ से जाते थे हम जाते हैं साइकिल जाते हैं तो यानी सड़क की वजह से काफी दिक्कत सामना करना पड़ता है आपको? अच्छा, गांव से आपके कितनी दूर पड़ता है? 6-7 किलोमीटर दूर। तो ये जो रास्ता है इस रास्ते के विषय में आप क्या कहेंगे? ये रास्ता बहुत खराब है, हम हर रोज जाते हैं, या तो पंचर हो जाता है या हवा निकल जाती है साइकिल। बहुत परेशानियों का सामना करना गाड़ी भी पलट जाती है, जब बच्चे को आफत आती है, कोई ऐसी नहीं है यहाँ पे कोई सुविधा जो उसे ले जा सके, सफाई करे जब कुछ करे तो परेशान काफ़ी आती है। बच्चे हैं बेबी हमारे रास्ता में रेसा में भाई की भी गिर जाती है और हमें रोड चाहिए। अच्छा, जब तक रोड नहीं बनेगा जब तक आप रोड नहीं।